आपका इस वेबिनार में मैं सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने जेट के माध्यम से अच्छा स्कोर प्राप्त किया है और आज से जो काउंसलिंग चालू हो गई है उसमें आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में प्रवेश ले सकेंगे। आप जानते हैं कि ट्वेल्थ करने के बाद आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में प्रवेश ले रहे हैं और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का स्कोप है बहुत बड़ा है। और आप जानते हैं कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और इसके जो जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है वो बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स कम होते हैं तो इसमें कंपटीशन कम होता है। हम देखते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर में सरकारी नौकरियाँ भी बहुत निकलती है, जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हो गया, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, डबल एआरओ हो गया, एआरओ हो गया, सीड ऑफिसर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, ऐसे कई अपॉर्चुनिटीज होती है जो कि सरकार में निकलती है। और सरकारी नौकरी में जो वैकेंसी निकलती है उसमें उस इंस्टीट्यूशंस में पढ़े हुए छात्रों का सिलेक्शन ज़्यादा होता है जो जहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छा सिखाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा नाम खेमराज है, मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर राजस्थान सरकार का रह चुका हूँ, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर रह चुका हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन रह चुका हूँ, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर राजस्थान तिलम संघ का रह चुका हूँ। मैं इसी तरह से सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है उसका भी मैं डायरेक्टर रह चुका हूँ, और भारत सरकार ने कुछ कमेटियाँ बनाई थी उसमें भी मेंबर रह चुका हूँ। और इसके साथ साथ आपने सरस का नाम जरूर सुना होगा, उसमें मैं RCDF होता है उसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुका हूँ। और एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड कई इंस्टीट्यूशंस में मैंने काम किया है, और राजस्थान में जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर रह चुका हूँ, चाहे वो बीकानेर की यूनिवर्सिटी हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर की हो। मैं RS का भी टॉपर रह चुका हूँ, उसके बाद मैं इंडियन रेलवेज में ऑफिसर बन गया, उसके बाद मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर बनकर चला गया, उसको भी मैं छोड़ गया, उसके बाद मैं IAS में सलेक्शन हो गया, इसलिए मैं IAS में सलेक्शन हो गया, मैं वहाँ चला गया। मैं आपको बता देता हूँ कि कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि BSc ऑनर्स का एग्रीकल्चर का कोर्स कराती है, और जैसा कि मैंने बताया कि आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करके सीड में, फर्टिलाइजर में और पेस्टिसाइड्स में जो भी दुकानें खुलती है उसका लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस चालू कर सकते हैं, आप स्टार्टअप चालू कर सकते हैं, टीचिंग जॉब में जा सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई जिसमें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चलता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, जिसके कई रिसर्च इंस्टीट्यूशन है पूरे भारत भर में, 100 से ज़्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उसमें भी साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, उनकी भर्ती होती है, तो उसमें आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसमें पढ़ाने का काम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं, वर्ल्ड लेवल पे FAO का नाम सुना होगा आपने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका रोम में हेडक्वार्टर है, उसमें भी आप जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह होगा कि इसमें बहुत स्कोप है और कंपटीशन कम है, तो कम कंपटीशन करते हुए यदि आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं या अपना प्राइवेट बिजनेस चालू करना चाहते हैं या स्टार्टअप करना चाहते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहते हैं तो आप आसानी से जा सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने BSc ऑनर्स रहते हुए करते हुए आपने क्या सीखा है, फिर आप PG करते हुए उसमें क्या सीखा है। आजकल डिग्री का तो महत्व है, लेकिन इस डिग्री के साथ साथ जो लर्निंग होती है, पढ़ाई होती है, जो कि लर्निंग लेवल होता है स्टूडेंट्स का, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खाली डिग्री के आधार पर कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलता है, आपने क्या सीखा है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, उसके आधार पर आपको जॉब मिलता है। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हमारा से जो भी स्टूडेंट जुड़ता है, कोई भी स्टूडेंट जुड़े, उसको हम सिखाते हैं, और इस तीव्र गति से सिखाते हैं कि वो 6 महीने में सीखता है किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में तो हम उसको 1 वीक में 6 दिन में सिखा देते हैं। ये पढ़ाना सिखाना अपने आप में कला है, हर व्यक्ति में नहीं पाई जाती है, हर व्यक्ति में नहीं पाई जाती है। और हम स्टूडेंट्स को जो है कॉन्फिडेंस लेवल का बिल्ड करते हैं कि कैसे स्टूडेंट जो है अपने आप में आत्मविश्वास को बढ़ाए। जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो स्टूडेंट्स की लर्निंग अच्छी होती है। हम कम्युनिकेशन स्किल्स को भी सिखाते हैं कि कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, अपने आइडियाज़ को कैसे आप एक्सप्रेस करते हो वर्ड्स के माध्यम से, उसको भी हम सिखाते हैं, जिससे कि आप अपने विचारों को, अपनी बातों को प्रभावी रूप से सामने के व्यक्ति के सामने रख सकते हो। तो जैसा कि अपन बात कर रहे थे कि जितने भी
सीड बनाने वाली कंपनियां हैं, पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनियां हैं, फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियां हैं, इन सब में उन कैंडिडेट्स की जरूरत पड़ती है जिन्होंने बीएससी पढ़ रखा होता है। तो इन सब कंपनियों में प्लेसमेंट के माध्यम से आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद जा सकते हो। उसके साथ साथ कई ऐसे प्रोडक्ट हैं, खाने की चीज़ें, हर खाने की चीज़ एग्रीकल्चर से आती है, चाहे वो चीनी हो, चाय हो, अनाज हो, दलहन हो, खाने का तेल हो, ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर के माध्यम से प्राप्त होती है। तो ये जो प्रोडक्ट बनाती है उन कंपनियों में भी प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की जरूरत पड़ती है, जो कि रॉ मटेरियल को खरीदता है। वो कौन बनता है? वो वही बन सकता है जिसने कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पढ़ रखा होता है। उसके माध्यम से उसको एग्रीकल्चर के बारे में उसको मालूम होता है कि दालें हैं, किस किस प्रकार की दालें होती है, कैसे पैदा होती है, हर दाल की क्या विशेषता होती है। तो उनको प्रोक्योरमेंट करने के लिए, दलहन की प्रोक्योरमेंट के लिए प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है। प्राइवेट कंपनियां जितने भी है सब में जरूरत पड़ती है। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का स्कोप बहुत वास्ट है। इसमें आप देखोगे कि आप लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, एंटोमोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, सब प्रकार के विषयों को पढ़ाया जाता है। और आज की तारीख में तकनीकी का उपयोग बहुत आवश्यक है। तो तकनीकी का उपयोग करते हुए आप देखिए कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, दालें, अनाज, ये आप ऑनलाइन किसानों से प्रोक्योर करके ऑनलाइन कस्टमर तक, कंज्यूमर तक आप बेच सकते हो और अपना स्टार्टअप चालू कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि सरकारी नौकरियों में तो देखो अट्रैक्शन है, तो हम हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे से जुड़ते हैं, तो हम बीएससी ऑनर्स के साथ साथ जितनी भी सरकारी नौकरियाँ निकलती है एग्रीकल्चर क्षेत्र में उन सब की निःशुल्क तैयारी करवाते हैं। हमारे पास इसके लिए स्पेशलिस्ट फैकल्टी है और वो अच्छा पढ़ाती है और स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। और हमारी ये स्किल है एक तरह से कि हम कैसे स्टूडेंट्स को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं। और एक नई बात और हुई जो आपको मालूम होगा कि राजस्थान सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है, जो भारत सरकार में भी नहीं है। तो राजस्थान सरकार की नौकरियों के प्रति आरक्षण और बढ़ाए, आकर्षण बढ़ाए स्टूडेंट्स में, वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं। तो उसके माध्यम से हम बीएससी के माध्यम से स्टूडेंट्स को इसको और आगे बढ़ाते हैं, बढ़ना भी चाहिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। तो चाहे आप निजी क्षेत्र में जाना चाहें, अपना स्वयं का व्यवसाय चालू करना चाहें, चाहे आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहें, सब क्षेत्रों में हम स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। आपका पारिवारिक परिवेश या बैकग्राउंड चाहे किसी भी स्तर का हो, हमारा उद्देश्य यह रहता है कि स्टूडेंट्स के भविष्य को कैसे बदला जाए और उसको कैसे आगे किया जाए। हम स्टूडेंट्स को नीचे नहीं ले जाना चाहते, हम स्टूडेंट्स को ये चाहते हैं कि यहाँ आगे से आगे ऊपर बढ़े। और हर स्टूडेंट्स जब बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बाद उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। अल्टीमेटली आपकी यदि सरकारी नौकरी के लिए आप अपीयर होना चाहते हैं तो आपकी इतने आत्मविश्वास इतना हो जाना चाहिए कि आप आसानी से सरकारी परीक्षा दे करके पास हो सको। अपना खुद का व्यवसाय प्रारंभ करना चाहे तो हम उसी हिसाब से आपको तैयार करते हैं। यदि आप निजी क्षेत्र में, प्राइवेट कंपनीज में आप जाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से हम स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं। तो उद्देश्य ये रहता है कि स्टूडेंट्स को हम इम्प्लॉयबल बनाते हैं, इम्प्लॉयबल, जिसमें कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े। तो हम बात कर रहे हैं कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में चाहे इनपुट के बनाने वाली कंपनियां हो, चाहे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचने वाली कंपनियां हो, चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हो, चाहे एनजीओज हो, चाहे अपने खुद की आप कंसल्टेंसी सर्विस प्रारंभ करें, हर प्रकार के क्षेत्र हैं जो बहुत वाइड है। आगे बढ़ने के लिए देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों में इतनी क्षमता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। आपको भी मालूम नहीं होगा कि आप आगे कितना बढ़ सकते हो। मेरे को भी मालूम नहीं था कि मैं कितना आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, प्रयत्न करते गए, सही टाइम पर सही लोगों का डायरेक्शन मिलता गया, वैसे वैसे आगे बढ़ते गए। तो स्टूडेंट्स का ये जो पीरियड होता है 4 साल का 6 साल का बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि स्टूडेंट्स को सही डायरेक्शन सही समय पर यदि मिल जाता है तो स्टूडेंट्स बहुत आगे बढ़ता है। और यदि सही डायरेक्शन में उसको सही गाइडेंस नहीं मिलती है, लर्निंग लेवल बढ़ता नहीं है, तो स्टूडेंट्स आगे नहीं बढ़ पाता है। कंपटीशन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है,
और बढ़ते हुए कंपटीशन में हर दिन महत्वपूर्ण होता है। हर दिन हम स्टूडेंट्स को हम आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के माध्यम से स्टूडेंट्स अपना भविष्य बिल्कुल स्वर्णिम कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि आप में आगे बढ़ने की कितनी ललक है, कितनी जिज्ञासा है और आपको सही डायरेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि सही डायरेक्शन मिल रहा है और आप प्रयत्नशील हो और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि आप मन से हार जाते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बहुत क्षमता है आप लोगों में, उसकी कोई सीमा नहीं है, हमेशा कहता हूँ मैं। तो अपने आप को पहचानो आप, इसके लिए हम स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं, उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि करते हैं ताकि स्टूडेंट्स आगे बढ़े और सीखने के लिए ऐसा वातावरण पैदा करते हैं जिससे कि वो स्टूडेंट्स आगे सीखे। चाहे विजिट्स की बात हो, कृषि विज्ञान केंद्र में वहाँ विजिट्स करवाते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन से वहाँ विजिट करवाते हैं, बाहर से गेस्ट फैकल्टी आती है उससे हम इंटरेक्शन करवाते हैं। विजिट्स के साथ साथ हम स्टूडेंट्स में प्रेजेंटेशन करवाते हैं ग्रुप बना करके, तो स्टूडेंट्स में लर्निंग, स्पीकिंग सब चीज़ें बढ़ती हैं। ये सब तब होता है जबकि आपको सही टाइम पर सही डायरेक्शन मिले और आप उस काम को करने के लिए तैयार हों। जब आप मानसिक रूप से ऐसा काम करने के लिए तैयार होते हैं तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते हैं। ये कई बातों पर निर्भर करता है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रोल फैकल्टी का होता है और स्टूडेंट स्वयं का होता है। स्टूडेंट स्वयं यदि जागरूक है और आगे बढ़ना चाहता है तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे, तो चाहे कितनी परिस्थितियां विकट हो। तो सार रूप में यह कहा जा सकता है कि दूसरे कोर्सेज की बनिस्पत जेट के माध्यम से जो बीएससी ऑनर्स करते हैं उसी की मान्यता है राजस्थान में, और जेट के माध्यम से जो मैट्रिक्स राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है, जो भी जेट का एग्जाम करवाती है तो उसमें मैट्रिक्स में सब इंस्टीट्यूशन की सीटें आती है, उन्हीं सीटों में अप्लाई करना चाहिए जो कि उस सीट मैट्रिक्स में उपलब्ध है। काउंसलिंग के अलावा कोई बीएससी राजस्थान में नहीं होती है, तो उन्हीं इंस्टीट्यूशन में बीएससी होती है, ऑनर्स का कोर्स होता है जहाँ पर कि राजस्थान सरकार ने मान्यता दे रखी है। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में कई विपुल संभावनाएं हैं। आवश्यकता इस बात की है कि आपको कैसे सिखाया जाता है, कम से कम समय में कैसे आगे बढ़ाया जाता है और आपको टेक्निकल स्किल नॉलेज के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे आपको सिखाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्न हो जाता है। और वहीं पे हर व्यक्ति का, स्टूडेंट्स का भविष्य आगे बढ़ता है, बदलता है। तो मैं आप सभी को जेट में अच्छे नंबर प्राप्त किए आपने इसलिए शुभकामनाएं देता हूँ, और आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लें और अपने भविष्य को सुधारें। तो अंत में मेरी प्रथम शिक्षक मेरी माँ थी, उसको मैं शत शत नमन करता हूँ। नमस्ते, थैंक यू।